नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगों की आग से विपक्षी खेमे में अब आग लगने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है वो अपने आप में विस्फोटक है। कल तक जो लोग कह रहे थे कि वो संविधान बचाने के लिए देश में आंदोलन कर रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि उन्हें देश के कोर्ट कानून व्यवस्था नियम पे भरोसा है, आज वही कह रहे हैं कि जो चार्जशीट पुलिस ने दायर की है वो एक झूठी कहानी है, एक पटकथा है, एक इमेजिनरी स्टोरी है। इसके पास न कोई सबूत है न कोई दलील है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, चार्जशीट में से क्या बात है जिसको लेकर के विपक्षी खेमे में बवाल मचा हुआ है, खलबली मच गई है। तो सबसे पहली बात ये कि चार्जशीट से एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी बात जो इसमें साफ साफ नजर आ रही है कि ये जो लोग सीए के प्रोटेस्ट में जुड़े हुए थे, जो लोग पूरे देश में शाहीन बाग बनाना चाह रहे थे, जो लोग जामिया के बाहर आगजनी कर रहे थे, बस जला रहे थे, पत्थर चला रहे थे, वो लोग ही दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए, दंगा कराने के लिए यहाँ पे मौत का तांडव हो जाए इसकी साजिश रच रहे थे। और तो और, इस चार्जशीट से ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इस्लामी जिहादी ताकतों ने वामपंथियों के साथ मिलके दिल्ली को बंधक बनाने की पूरी रणनीति बना ली थी। इस चार्जशीट से सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ कि जो दंगे हुए हैं और जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें सीधा सीधा जो हाथ नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन का। मैं आपको बता दूं, ताहिर हुसैन जब ये काम कर रहे थे तो वो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ उसके संपर्क में थे। अब ये आगे के इन्वेस्टिगेशन से मालूम चलेगा, जब ताहिर हुसैन से कड़ाई के साथ ये सवाल जवाब किया जाएगा कि क्या ये जो वो काम कर रहा था, क्या वो आम आदमी के टॉप लीडरशिप के कहने पे कर रहा था या फिर वो अपने आप ही इस तरह के फैसले ले रहा था। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस समय ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का एक काउंसलर था। और उसने क्या किया, उसने एक ऐसा काम भी किया और सबूत भी छोड़ा है जिससे उसके बचने की उम्मीद तो अब बिल्कुल ना के बराबर है। इसने 1,10,00,000 रुपए 5 फर्जी कंपनी में जमा कराए। वो कंपनियों के नाम हैं मीनू फैब्रिकेशन, एसपी फाइनेंशियल सर्विस, युद्धवी इंपेक्स, शो इफेक्ट एडवर्टाइजिंग और एसेंस सेलकॉम। ये सारी की सारी सेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं। इसमें ताहिर हुसैन ने पैसे डाले और इनके बैंक खाते से कैश निकाला गया। इस सारे सबूत के साथ हैं। और ये कैश कहां बांटे गए, तो ये शाहीन बाग में बांटे गए। ये उमर खालिद और उस तरह के जो चट्टे बट्टे ये सारे लोग जो थे उनको दिया गया है। और सबसे इससे बड़ा सवाल एक और है जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि ये जो 1,10,00,000 रुपए ताहिर हुसैन ने खर्च किए, इसके पास ये रकम कहां से आई, ये किसके कहने पर ये खर्च कर रहा था, किसके कहने पर ये शाहीन बाग। और तो और, चूंकि शाहीन बाग का सीधा रिश्ता दिल्ली के दंगों से जुड़ रहा है तो ये सवाल भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी आपको याद होगा कि TV9 के एक रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट से ये खुलासा किया था कि ताहिर हुसैन लगातार ये जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वहां से, वो अपने घर के पास से लोगों को वहां पहुंचाया करता था, खाना पहुंचाया करता था और 8-10 गाड़ियां वो सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के लिए ही रखा हुआ था। मतलब ये वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो उसका एक पर्दे के पीछे से बहुत बड़ा मैनेजर का काम कर रहा था। ये बात तो मीडिया के इस रिपोर्ट से
और तो और तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से भी ये साबित हो गया। अब एक बात तो ये समझ में आ रही है कि वो शाहीन बाग में पर्दे के पीछे से सारा कुछ मैनेज कर रहा था, और दूसरी हकीकत ये भी है कि जो उसका घर था वो दंगे का कारखाना बना हुआ था। वहां पत्थर रखे हुए थे, पेट्रोल बम्स रखे हुए थे, केमिकल्स रखे हुए थे। उसने अपने घर का दरवाजा खोल रखा था जहां से दंगाई, आसपास के हिंदू घरों पे जहां से वो हमले कर रहा था। और इंपॉर्टेंट मसला इसमें एक और है, ताहिर हुसैन के पास एक रिवॉल्वर थी। रिवॉल्वर जब इलेक्शन चल रहा था विधानसभा का, तो जिनके पास भी लाइसेंसी वेपन होते हैं उसको थाने में जमा किया जाता है, लेकिन इसने दंगे से ठीक पहले अपने रिवॉल्वर को वो थाने से, भजमूरा थाने से वो उसको लेकर के अपने पास आ जाता है, और उसके पास कुल 200 जो रजिस्टर्ड जो गोलियां होती हैं वो उसके पास थी, जिसका पूरा लिखा पढ़ी है वो बकायदा कागज पे है। और जब इससे मांगा गया कि वो 200 गोलियां कहां हैं, तो वो सिर्फ 125 गोलियां ही वापस दिखा सका। और जब उससे पूछा गया कि ये 75 गोलियां कहां गायब हो गई, तो ताहिर हुसैन इसका कोई जवाब नहीं दे पाया है। मतलब ये 75 की 75 गोलियां कहां इस्तेमाल हुई? दंगे से ठीक पहले वो थाने से लेकर के आता है, और दंगे के बाद जब वो पकड़ा जाता है तो 75 गोलियां गायब है। तो ये 75 गोलियां क्या आसमान में वो फायरिंग कर रहा था, दिवाली मना रहा था? तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है जिससे ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी का ये काउंसलर किस तरीके से इस दंगे में पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। और तो और अंकित शर्मा के केस में भी इसका नाम आया है। कुल 10 केसेस इसके ऊपर हुए हैं, और हर केस में इसके ऊपर एक से एक जो आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और एक और मसला ताहिर हुसैन के घर को लेकर के है कि उसके घर में सीसीटीवी कैमरेज हर जगह लगे हुए थे। कैपिटल टीवी की टीम भी जब गई थी तो वहां हमने देखा था किस तरीके से जो ताहिर हुसैन के घर में घुसने का जो कि जो मेन गेट है, मेन गेट के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसका डायरेक्शन अलग दिशा की ओर मोड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है कि ये सारी चीजें जो उसके पास जो सीसीटीवी कैमरे के जो पूरे रिकॉर्डिंग्स हैं वो जिस समय दंगा हुआ है उस समय की रिकॉर्डिंग ही नहीं है। मतलब सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया गया। इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है कि आप पहले से आपने प्लान कर रखा था, और प्लानिंग के तहत आप अंदर लोगों को बुला रहे थे, प्लानिंग के तहत आप ईट पेट्रोल बम और सब चीज़ आप जमा कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंकित शर्मा का केप की हत्या का मामला हो, या फिर ये जो पूरे षड्यंत्र का जो मसला हो, इसमें ताहिर हुसैन तो पूरी तरीके से वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, और सबूत के साथ। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है जो छाती पीट रहे हैं लोग कि भाई छात्रों को आप जमा कर रहे हो, छात्रों को आप अरेस्ट कर रहे हो दंगा के नाम पे। जो लोग सीए के खिलाफ लड़ने वाले स्टूडेंट लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, उनको आप पकड़ रहे हो, तो उसमें भी कई सारे खुलासे हुए हैं। अब ये इन बेवकूफों को कौन समझाए कि आप जो व्हाट्सएप पे काम धाम करते हो, बातचीत करते हो, जो कॉल करते हो वो डिकोड की जा सकती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी सारी तैयारी, सारी बातचीत आप व्हाट्सएप के जरिए कर रहे थे, ये सोचे कि कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जनवरी के थर्ड वीक में दंगे ये कब हुए हैं, तो 24 फरवरी में। लेकिन एक मीटिंग हुई जनवरी के थर्ड वीक में जामिया नगर में, जिसमें दिल्ली का एक प्रोफेसर ताहिर हुसैन और उमर खालिद, ये लोग आपस में इन लोगों के चैटिंग का, इन लोगों के बातचीत का, इन लोगों के जो उसको कह सकते कि डिजिटल फुटप्रिंट्स उसके सबूत के तौर पे दिल्ली पुलिस ने जमा किए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि सारी दंगे की जो प्लानिंग हुई थी वो शाहीन बाग में जामिया में की गई थी। और इस मीटिंग में ही ताहिर हुसैन को ये बताया गया कि ट्रंप आने वाला है और इसलिए कुछ बड़ा करना होगा, और इसके लिए तैयारी शुरू कर दो।
और उसके बाद ये पैसे का लेन देन और सारी चीज़ें जो है, और आपको याद होगा इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, बहुत सारे चीज़ों का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से उमर खालिद हर जगह ये कहता हुआ लोगों को मोबिलाइज करता हुआ कि हम सड़क पे आकर के कुछ भी हो जाए ट्रंप के आने के समय जो है पूरे दिल्ली में कोहराम मचा देंगे, इस तरह की बातें वो लगातार कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग छाती पीट रहे हैं कि ये तो बच्चे हैं, ये तो स्टूडेंट हैं, ये तो, मैं आपको बता दूं, इनको स्टूडेंट कहना बहुत ही बड़ी गलती होगी। जो लोग इन्हें सोशल एक्टिविस्ट या स्टूडेंट लीडर समझते हैं ये उनकी अज्ञानता है। जब ये जेएनयू में था तो जेएनयू में ये डीएसयू का लीडर हुआ करता था। डीएसयू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ये जो माओवादी हैं, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये CPIM जो माओइस्ट है, ये दुनिया के चौथे नंबर का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है, वो भी डिक्लेयर्ड। ये नहीं कि आप कह रहे यूएन के द्वारा, ये डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्टूडेंट विंग का ये लीडर था। ये तो उस देश के अंदर में वो जेएनयू का माहौल ऐसा है कि जहां आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट विंग के आप लीडर बन जाए और आपको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में अगर ये इस तरह के गतिविधि में लिप्त होता तो उसको पहले ही जेल के अंदर डाल दिया गया होता। लेकिन यहां लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वामपंथियों का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये जो डीएसयू है इसका भी एक इतिहास रहा है। जब हम लोग जेएनयू में पढ़ा करते थे तो उस वक्त रोना विल्सन, सरोज गिरी, इस तरह के लोग, एक प्रोफेसर है सरोज गिरी, और रोना विल्सन कौन है? रोना विल्सन वही शख्स है जिसे प्रधानमंत्री मोदी के असैसिनेशन के केस में, जो भीमा कोरेगांव का जो मसला आया था जिसके कंप्यूटर से ये सारे ईमेल्स वगैरह निकले थे, ये वो शख्स है। वो लोग डीएसयू के लीडर हुआ करते थे और अब उसी संगठन को ये चला रहा था। और तो और, ये नहीं भूलना चाहिए किस तरह की ट्रेनिंग देश में बवाल मचाने की, जो ट्रेनिंग जो है उमर खालिद को तो घर से ही मिली हुई है। उसके फादर सिमी के एक फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। और तो और, जिस तरह से ये PFI का लिंक है, PFI क्या है? ये सिमी का ही एक नया रूप है, नया वर्जन है। तो ये पूरे डॉट्स जो है वो मिल रहे हैं। और इसलिए कोई ये कहता हुआ मिले कि ये झूठी कहानी है, अगर आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं हिंदू अखबार में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में कि जो है जाती है पुलिस की तरफ से स्टूडेंट्स को, तो ये बहकावे में आप नहीं आए, क्योंकि कुछ और कारनामे के खुलासे हुए हैं। जैसे कुछ लड़कियों को पकड़ा गया है, ये कोई पिंजरा तोड़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई तोड़ वोड़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दरअसल ये CPIML का एक जो है वो अलग विंग है, जहां लड़कियों को बहकाने के लिए, लड़कियों को ब्रेन वॉश करने के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो उसके द्वारा जाफराबाद की महिलाओं को भड़काया गया, इसके भी सबूत मिले हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जाते थे, क्या व्हाट्सएप मैसेज है उसका भी खुलासा चार्जशीट में किया गया है। ये पिंजरा तोड़ वाली लड़कियां ये वहां की महिलाओं को बता रहे थे कि डरो मत, दंगा अगर होता है तो आप पहले से तैयारी करके रखो। और तैयारी करने के जो हिदायत दी गई थी इन लोगों को, वो था कि घर में गर्म खोलते हुए पानी को रखना, तेल का इंतजाम करके रखना, बिल्डिंग की सीढ़ियों पर तेल और शैंपू या साबुन फेंक देना, लाल मिर्च, गर्म पानी, पाउडर आदि का प्रयोग करना सीख लो, दरवाजे को मजबूत करो, जल्द से जल्द ग्रिल और लोहे का उसको उसमें ग्रिल लगाओ घर में, ये सब बताया जा रहा है। ये सब सारे जो ये जो हिदायत जो दे रहे थे ये लोग, ये व्हाट्सएप के जरिए दे रहे थे। और क्या है इसमें कि बालकोनी और छत पे ईंट और पत्थर रखो, कार और बाइक के पेट्रोल निकाल कर रखो, लोहे के दरवाजे के को स्विच के करंट से लगा दो कि ताकि कोई आए तो वो करंट में उसको। तो कहने का मतलब है ये सब तैयारी की जा रही थी, व्हाट्सएप से मैसेज भेजा जा रहा था। और ये बातें कौन बताया पुलिस को? ये सारी बातें जो स्थानीय लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो इन लोगों को मना कर रहे थे कि जाफराबाद में शाहीन बाग की तरह हंगामा मत करो, ये सारी बातें बातचीत हो रही है। और मजिस्ट्रेट के सामने उस तरह के बयान बहुत सारे लोगों ने दर्ज कराए हैं, 164 जिसको कहते हैं, जिसमें ये लोग ये सारी बातें बता रहे हैं कि जब ये बवाल मच रहा था जाफराबाद के पास
तो इन लोगों ने मना किया था कि यहाँ हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, और इसलिए इस तरह से अगर शाहीन बाग की तरह यहाँ माहौल बनता है तो यहाँ दंगा भड़क सकता है। तो ये लोग उनको समझाते थे कि कुछ नहीं होने वाला, डरने की जरूरत नहीं, ये सब तैयारी करके रखो। और ये क्यों करते? क्योंकि इसके पीछे एक और साजिश का खुलासा हुआ है, क्योंकि ये लोग जो ये जो शाहीन बाग वाले लोग थे, इन लोगों ने पूरी दिल्ली में 19 ऐसे इलाकों को चुन के रखा था कि जहां पे उन्हें शाहीन बाग बनाना था, जिसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट। वो 19 जगह क्या है? वो 19 जगह वैसे वैसे लोकेशंस हैं जहां पे हिंदू और मुसलमान दोनों की पॉपुलेशन है। शाहीन बाग में बाल क्यों नहीं मस्ता था? क्योंकि शाहीन बाग प्योरली एक मुस्लिम इलाका है। लेकिन ये जो अलग अलग इलाकों को जो ढूंढ रहे थे, जो 19 इलाकों को जो इन लोगों ने चुना था, वहां हिंदू और मुसलमान दोनों थे। इस जानबूझ के ये साजिश के तहत इन लोगों ने ऐसे लोकेशंस को सिलेक्ट किया था कि ताकि ये कुछ करें तो वहां से रिएक्शन हो और ये रिएक्शन धीरे धीरे बवाल में तब्दील हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें अगर आप देखें तो ये डॉट्स बिल्कुल मिल रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है कि किसी तरीके से आपने पकड़ लिया किसी तरीके से। सबके आजकल के ज़माने में डिजिटल फुटप्रिंट सबके आराम से निकाले जा सकते हैं, और ये उस तरह के प्रमाण हैं जिसको कोर्ट में उसको पेश किया जा सकता है और कोर्ट उसे स्वीकार भी कर सकती है। अभी तो सिर्फ 3-4 सीट जो है वो डाले गए हैं। मैं लगातार इस बात को करूँ कि ये दंगा जो है वो प्री प्लान था, जैसा कि इस चार्जशीट से समझ में आ रहा है कि एक महीना पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी। और इसीलिए कैपिटल टीवी की जब टीम, चाहे वो राजधानी स्कूल में गई हो या फिर वो मुस्तफाबाद की उस सड़क पे गई हो, हर जगह, चाहे वो ताहिर हुसैन का घर हो, हर जगह एक किस्म के पत्थर पीले रंग के बैग में वो कहीं बाहर से लाए जा रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर पत्थर कहाँ, ये कहीं बाहर से इसे लाया गया, पेट्रोल डीजल पेट्रोल बम इसकी तैयारी की गई। और अच्छी बात यह है, ये बताने में भी अच्छा लगता है कि कैपिटल टीवी की टीम ने, हम लोगों ने 2 स्टोरीज की थी जिसका चार्जशीट में बाकायदा उसको, उस एलिमेंट को जो है इंक्लूड किया गया है। वो था कि किस तरीके से शिव विहार में 2 स्कूल, अगल बगल दोनों स्कूल थे, एक हिंदू ओनर का था एक मुस्लिम ओनर का था, तो वो जो मुस्लिम ओनर का जो स्कूल जो था वो ठीक शिव विहार में वैसा ही काम कर रहा था जैसे ताहिर हुसैन का घर। वहां पे सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, वो सबसे पहले कैपिटल टीवी ने दिखाया था किस तरह से गुलेल का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, और किस तरीके से ये लोग गुलेल से पेट्रोल बम फेंका करते थे। तो ये एक कहानी जिसके बारे में, चार्जशीट के बारे में बताया गया कि किस तरह से पहले से प्री प्लान था, पहले से तैयारी की गई थी। और तो और हमने बताया था किस तरह से ये मुस्तफाबाद शाही शिव विहार के जो के सड़क पे जो आगजनी का केस जो हुआ, वहाँ सैकड़ों दुकानों को जो जलाया गया, उन दुकानों को इन दंगाइयों ने छोड़ दिया जिन दुकानों के ऊपर CA, NO CA, NO NRC, NO NPR ये लिखा हुआ था। मतलब वो कोड वर्ड था कि रात के अंधेरे में भी उन दंगाइयों को समझ में आ जाता था कि ये मुस्लिम शॉप है ये हिंदू शॉप है। तो सारे हिंदुओं के शॉप्स को जला दिया गया, और जिस पे NO NRC, NO NCR लिखा हुआ था वो सारे दुकान बच गए। और तो और जब हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ ये भी मालूम चला कि जो दंगाई शिव विहार में कोहराम मचा रहे थे, इन सब के सिर पे ब्लू रंग की हेलमेट थी। और ये हेलमेट कहाँ से आया, तो ये किसी ने बांटा वहाँ पे, सब नए हेलमेट थे, सबके सिर पे थे, और ये सब प्री प्लानिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। इसकी फंडिंग हो रही थी, इसके ऊपर पूरी प्लानिंग की जा रही थी, इसको कोई सपोर्ट मिल रहा था, ये सारी चीज़ें सबूत के साथ अब कोर्ट के सामने हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा होगा कि दंगा के बाद कि जो दंगाई है उनके अलावा दंगा के जो साजिशकर्ता हैं, जो मेन विलन हैं, जो दंगा भड़काते हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। हमारी नज़र दिल्ली दंगों पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।